और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ, जहां पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष ने कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव नहीं होने का मामला जोर शोर के साथ उठाया। सदन में बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने सवाल पूछा और उनके सवाल पूछे जाने पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सेंट्रल से अनुमति देरी से मिलने की वजह से कोरोना संक्रमण के कारण उठाव में देरी हुई है। उठाव के लिए 31 दिसंबर तक का समय है और सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि मंत्री के क्षेत्र में ही करीब 50 करोड़ रुपए का धान सड़ चुका है। उन्होंने जांच के लिए सत्ता पक्ष के 3 और विपक्ष के 2 विधायकों की समिति बनाए जाने की मांग की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की एक बार कोशिश करते हैं कि आखिर सदन की ये जो कार्रवाई है वो किस तरह से शुरू होती है और सदन की कार्रवाई में किस तरह से क्या कुछ चीजें पाई जाती हैं। तो आपको बता दें कि सेंट्रल से देर से अनुमति मिलने की वजह से धान का जो उठाव है वो देरी के साथ शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष ने कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव नहीं होने का मामले को उठाया। इस पे आपको बता दें कि सदन में ये पूरा मामला बीजेपी से विधायक रजनीश सिंह ने सवाल किया था, इस मामले को उठाया, तो वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया और कहा है कि सेंट्रल से अनुमति देरी से मिली जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के कारण उठाव में देरी हुई है। बहरहाल उठाव के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि मंत्री के क्षेत्र में ही करीब 50 करोड़ रुपए का धान सड़ चुका है। उन्होंने जांच के लिए जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक उन्होंने जांच के लिए सत्ता पक्ष के 3 और विपक्ष के 2 विधायकों की एक समिति बनाए जाने की मांग यहाँ पर खाद्य मंत्री और सरकार से की है। तो उठाव के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, ये जवाब सदन में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिया है। विपक्ष ने धान कस्टम और मिलिंग में उठाव देरी से होने की वजह से इस सवाल को उठाया था और उठाव के लिए यहाँ पे खाद्य मंत्री कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक का समय है। भाई आज कल में समय समाप्त नहीं हो रहा है, पर्याप्त तो समय है। और जिस तरह से हमने पिछले साल भी देखा था कि जब समय समाप्त हो गया था और किसानों की शिकायत थी कि हमारा धान अभी तक खरीदा नहीं गया है और कई किसानों का कहना था कि धान का उठाव नहीं हो पाया, तो पिछले साल भी राज्य सरकार ने धान उठाव और खरीदी के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया था। तो कुछ लग रहा है कि कुछ इसी तरह का इस बार भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज तीसरा दिन सदन की कार्यवाही का रहा तो जोर शोर से कई ऐसे मुद्दे थे जो सदन में उठाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी जी लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आशीष जी, सदन छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जमकर यहां पे हंगामा भी हुआ, कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव नहीं होने को लेकर इस पूरे मुद्दे को भी उठाया गया है, किस तरह से पूरी सदन की कार्यवाही रही अब तक की? देखिए प्रश्नकाल में तो किसानों से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हुई और कस्टम मिलिंग का जो आपने जिक्र किया, कस्टम मिलिंग को लेकर जरूर सवाल लगे थे। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं ताजा ब्यौरा आपको सदन की कार्रवाई का दे दूं कि किसानों की मौत को लेकर विपक्ष ने जो स्थगन प्रस्ताव लेकर आया था उसकी ग्रहता पर चर्चा चल रही है और न केवल चर्चा चल रही है बल्कि सदन के भीतर जमकर तकरारें हो रही हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। किसानों की आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रही है, बड़ा पॉलिटिकल इशू रहा है और आज इसे बीजेपी ने सदन के भीतर स्थगन के जरिए लाने की कोशिश की है। हालांकि जब सत्र का पहला दिन था तब भी इस मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन पेश किया था और इसकी ग्राह्यता भी मंजूरा समिति ने की थी, लेकिन तब तकनीकी मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी ने विरोध किया था और विरोध का नतीजा देखने को मिला था कि सदन में जमकर हंगामा बरपा था और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। अभी फिलहाल सत्ता पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि किस तरफ सरकार की नीतियों का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है और सरकार की धान खरीदी नीति से नाराज होकर किसान किस तरीके से आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। राज्य में अब तक 18 किसानों ने आत्महत्या की है, ये दलील बीजेपी ने सदन के भीतर दी है, बीजेपी के विधायकों ने सदन के भीतर दी है। किसानों की मौत को उन कारणों से जोड़ने की कोशिश की है
जो ये इस्टेब्लिश करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है कि सदन के भीतर सरकार की नीतियों का नुकसान किसानों को उठाना पड़ा और सदन के भीतर इस मुद्दे को एक बड़े मुद्दे के तौर पर विपक्ष बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ पर फिलहाल अजय चंद्राकर की महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई है। सदन के भीतर इस वक्त उनका भाषण चल रहा है और भाषण में उन्होंने ये सवाल उठाया है कि किस तरीके से किसानों को सरकार धोखा दे रही है। 2 महीने सरकार खरीदी धान खरीदी के लिए तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन 2 महीनों में 35 दिन ही सरकार धान की खरीदी करेगी। किसानों की मौत के मुद्दों को जिस तरीके से अलग अलग प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर यह बताने की कोशिश की गई है कि किसानों की मौत की वजह सरकार की नीतियां नहीं है, इसे बीजेपी के सदस्य सदन के भीतर तर्कों के आधार पर झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के अपने जवाब हैं और जमकर तकरारी इस वक्त सदन के भीतर देखने को मिल रही है। आज पूरे दिन स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा चलेगी और सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी इस पर आने वाले कुछ घंटों के भीतर जवाब सामने आएंगे। बिल्कुल अलग अलग रीजन यहाँ पे सरकार की तरफ से और उन जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ से किसानों की मौत को लेकर दिए जा रहे हैं। वहीं हम पूरे देश के सिनेरियो में देखते हैं तो पूरे देश का किसान आंदोलन पे उतरा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज भी जिस तरह से किसान उपवास पर बैठे हुए उसको समर्थन दे रहे हैं, वो केंद्र की तमाम किसान जो नीतियां हैं किसानों के लिए जो बनाए गए हैं बिल उसको किसानों के अहित में बता रहे हैं और खुद को किसानों का हितैषी बता रहे हैं। ये दो तरह का टकराव दोनों ही दलों में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल जरूर टीएस सिंहदेव जिस तरीके से आज किसानों के समर्थन में उतरे हैं, दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसे समर्थन देने के लिए आज एक दिवसीय उपवास पर बैठे टीएस सिंहदेव और अभी थोड़ी देर पहले सदन के भीतर नजर भी आया है। टीएस सिंहदेव यहां पर पहुंच चुके हैं, ये मुद्दा भी सदन के भीतर उठा है और बीजेपी ने यही आरोप लगाया है कि यह सरकार के भीतर दोहरी नीति को दिखाने जैसी है कि सरकार के मंत्री जो एक वक्त ये कहते थे कि यदि किसानों को न्याय योजना के तहत चौथी किस्त का भुगतान जल्द नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे, वही मंत्री आज दिल्ली के किसानों के आंदोलन के मुद्दे को अपना समर्थन देते हुए आज एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। लेकिन सदन के भीतर की तस्वीर अलग है। राज्य के जो किसान है राज्य की नीति की वजह से उन किसानों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, इस पर सरकार भागती है, ये तमाम आरोप बीजेपी के हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के मंत्री प्रेम साय सिंह ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के ठीक पहले जो जवाब दिया वो जवाब ये बताता है, उस जवाब में ये सरकार ने दलील दी है कि राज्य में किसानों की जो कर्ज माफी सरकार ने की है उससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ है, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो अंतर की राशि किसानों को सरकार दे रही है उससे किसानों को आर्थिक तौर पर किसानों को समृद्ध बनाया है, सरकार की नीतियों से किसानों को फायदा हो रहा है। हालांकि ये तकरारें चल रही है, आज पूरे दिन ये तस्वीर सदन के भीतर देखने को मिलेगी। वहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश का सप्लीमेंट्री बजट 2500 करोड़ का बजट पेश करेंगे। कब तक ये बजट पेश हो जाएगा? के ग्राह्यता पर चर्चा जब खत्म होगी और जो आज का जो बिजनेस प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक आज ये अनुपूरक बजट तकरीबन 2500 करोड़ का सदन के पटल पर मुख्यमंत्री रखेंगे, लेकिन फिर चर्चा आज नहीं होगी, आज केवल पटल पर रखा जाएगा। और जिस तरीके से सत्र की कार्रवाई के पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उस दिन ये निर्धारित किया गया था कि किस वक्त ये चर्चा होगी, उसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। खाद्य मंत्री इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और मीडिया को ब्रीफ देंगे, उनसे सीधे रूबरू कराने की कोशिश करते हैं कि सदन के भीतर जो हालात बने हैं उन हालातों पर किस तरीके से सरकार जवाब दे रही है और सरकार उन विपक्षों के आरोप को किस तरीके से खारिज करने की कोशिश कर रही है। खाद्य मंत्री यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ देने पहुंचे हैं, सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। चलिए आज 2 प्रश्न उठे थे आपके कि कस्टम के कारण धान छाड़ा और बाढ़ जाने वाले पर भी सवाल उठे, आज काफी गहमा गर्मी हुई सवाल आपने। पूरे प्रदेश में धान खरीदी का काम इस समय
प्रमुखता से चल रहा है और जो अनुमान है उसके अनुसार इस बार जो धान खरीदी का जो बम्फर आवक है उसके अनुसार लगभग 90 लाख मीट्रिक टन या उससे भी अधिक जा सकता है, जिसके लिए लगभग 4,75,000 गठान की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए धान खरीदी नीति के अनुसार बारदाने की आपूर्ति जूट कमिश्नर भारत सरकार के माध्यम से करना रहता है। हमने 4,75,000 गठान के विरुद्ध 3.5 लाख गठान केंद्र से मांगा था। जूट कमिश्नर से जब वार्ता हुई तो उन्होंने 3 लाख गठान देने की बात कही थी और जब बारदाना देने की बात हुई तो 1,45,000 गठान हमको मिल रहा है। इस प्रकार से जो 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी के लिए जो आवश्यकता बोरे की है उसके लिए हम नया नहीं मिल रहा है, पुराने बारदाने से धान खरीदी कर रहे हैं। 2 लाख गठान मिलर्स के माध्यम से, 1 लाख गठान हम पीडीएस के माध्यम से और 70,000 जो प्लास्टिक के बारदाने हैं उससे हम धान खरीदी कर रहे हैं। वर्तमान में जो धान खरीदी की स्थिति है उसके अनुसार अभी हमारे पास मंत्री जी आज जनरल ने आंकड़ा पेश किया जो कि आप लोग कह रहे हैं 2 महीने की धान खरीदी होगी, लेकिन उन्होंने कहा सभी छुट्टियां काट दो तमाम से काट दो तो सिर्फ और सिर्फ 35 दिन की धान खरीदी हो रही है। देखिए व्यवस्था कोई नई नहीं है और छुट्टी के दिन कौन खरीदने जाएगा, आप या जो कर्मचारी है उसका, वो भी तो समाज का ही एक अंग है, वो उसका भी मानव अधिकार है और उसका भी लाइबिलिटीज है, तो हम छुट्टी के दिन उसको कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो धान खरीदी की नीति में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक का जो किए हैं और उसमें जितना भी कार्य दिवस है उसमें खरीदी होगी और कोई विशेष परिस्थिति होगी तब का अब देखेंगे। इस बीच में जो धान खरीदी का तेजी से आवक है उसे मुझे लगता नहीं कि और इसको कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। सीधा आरोप है कि 1300 करोड़ का जो धान है वो खराब हो चुका है, कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रहा है। कस्टम मिलिंग में ये जो नीति के अनुसार हमको अभी सेंट्रल ने जो अनुमति चावल जमा करने का दिया हो 31 दिसंबर तक का दिया है और 31 दिसंबर के स्थिति में ही क्लियर होगा कि कितना धान बचा है या कितना खराब हुआ है। अभी तो हमारे पास जितना है उसको हम खराब नहीं कर सकते क्योंकि हम 31 तारीख तक अभी चावल जब जमा हो जाएगा शेष ऐसा स्थिति आएगा तब मिलान होगा तब उसको हम बोल सकते हैं। देखिए क्या है कि कस्टम मिलिंग से पहले किन शर्तों के आधार पर कौन कौन सा दस्तावेज के आधार पर उनका पंजीयन होता है, उनको राइस मिलर का पंजीयन किया जाता है, उनको कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव दिया जाता है उसको हमने बताया और उसमें अगर किसी भी दस्तावेज में कोई भी अगर उसमें हेरा फेरी किया या गलत जानकारी दिया है तो वो तो जांच का विषय रहेगा और जो माननीय सदस्य ने कहा है दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध कराएंगे तो उसका जांच करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रश्न आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को लेकर था, मानव तस्करी, और मानव तस्करी का मूलतः मंत्री जी को जो जवाब देना था कि किस प्रकार स्टेट में एक स्टेट लेवल की जो कमेटी होती है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनता है जिसमें एडीजी या डीजी अधिकारी रहते हैं, उन्होंने अंत तक नहीं बताया कि इस सेल के चेयरमैन कौन है। 8 जिलों में ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना हुई है, बाकी पूरे खाली हैं।
जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएच का गाइडलाइन है कि सभी जिलों में इसकी स्थापना भी करना है, स्थापना करने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसमें केवल गृह विभाग की जवाबदारी नहीं है, महिला बाल विकास सहित अन्य विभाग की जवाबदारी है, इसमें एनजीओ की भूमिका है, इसमें महिला बाल विकास के साथ साथ अन्य विभाग भी जुड़ते हैं, मगर ये बताने में असफल रहे पूरी तरीके से कि जो कवर्धा की लड़की के बारे में जिसके बारे में मैंने बात किया, राजनांदगांव की घटना के बारे में बात किया, कि उस बच्ची को जिसका नाम माया अय्याम है, उसके पिता राम अय्याम ने एफआईआर किया और इस बच्ची को वापस लाया जाता है आंध्र प्रदेश के, और आंध्र प्रदेश से लाके उनमें दो लोगों की गिरफ्तारी होती है, जानसिस और सरस्वती की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद भी एफआईआर होने के बाद भी आज तक उस बच्ची को ना राहत राशि दी गई, ना उस बच्चे के परिवार वालों को कोई राहत राशि दी गई। वैसी ही बड़ी घटना डोंगरगढ़ को लेकर हुई, डोंगरगढ़ में जिस प्रकार बच्ची को यहाँ से ले जाया जाता है, प्लेन में बैठा के ले जा सकते हैं नशीली दवा के साथ साथ, और उसको तीन बार बेचा जाता है, वो भाग के वहाँ से आती है, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनका दावा था कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ है, मगर उसके बाद आज तक इस पूरे मामले को बंद कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई रुकी हुई है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जसपुर से लेकर रायगढ़ तक, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक जिस प्रकार हजारों बेटियों को ले जाया जा रहा है, ना उसकी मॉनिटरिंग है, ना उसका रजिस्टर है, ना ये जो सेल है सिर्फ दिखावे का है, इस सेल की जवाबदारी होती है कि उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करे। आज आपके सवाल का जवाब गृह मंत्री नहीं दे पाए, मानव तस्करी है क्या वो भी नहीं बता। मानव तस्करी का मैंने सिंपल से कहा कि एक लाइन तो बता दें कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्या किन कारणों से उस पे अपराध पंजीकृत होता है, उस विषय को समझाने में उनको 10 मिनट लग गया कि मानव तस्करी की परिभाषा क्या है, और कुल मिला के उनका जो जवाब था अंत में कहा कि मैं आने वाले समय में इसका जवाब आपको भिजवाऊंगा। चमत्कार इस राज्य में ऐसा हो रहा है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है और मिलिंग हो रही है। मिलिंग की जो हालत है और जो दुर्दशा है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसका नतीजा है। और आज जिस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार को आरोपित करते हैं, 40 लाख मीट्रिक टन से 60 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ में चावल का कोटा बढ़ गया, यानी 90 लाख मीट्रिक टन धान अकेले छत्तीसगढ़ खरीद रही है, सरकार खरीद रही है। मगर ये सरकार अब इसकी बेजवाबदारी का एक नमूना मैं बताना चाहूँगा, 4,50,000 गट्ठा इनको चाहिए, 4,50,000, और ये धान खरीदी के पूरी करना है तो अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है 1,45,000 गठान का आदेश दिया है, 90 लाख पीडीएस से लेंगे, 1,20,000 गठान ये धान खरीदी के लिए कहाँ से लाएंगे। धान खरीदी के लिए बहानेबाजी जितनी हो सकती है, 72 दिन का 60 दिन किया, 60 का 35 दिन हो गया, छुट्टियों को काटोगे तो 30 दिन की धान खरीदी मुश्किल से होगी। धान खरीदी के लिए पर्याप्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोटा दिया है, और कोटे के साथ साथ इस विषय में जो बार बार कटौती हो रही है, गिरदावरी में भी जो चेंज किया गया है, आज हमारी मांग सिर्फ यही थी इस स्थगन को लाने के पीछे कि किसान की जो मृत्यु हुई है उसको नशाखोर ना बताया जाए, उसके चरित्र के बारे में लांछन ना लगाया जाए। यदि वो टेंशन में तनाव में आकर मौत करता है, अपने परिवार वालों को सबको मार डालता है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या मानसिक स्थिति है, इसको तो सरकार आंकलन करे और उन्हें मुआवजा की राशि उन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए क्योंकि उनका कर्जा माफी भी नहीं हुआ है। 5,00,000 मेट्रिक टन जांजगीर चांपा चले जाइए, यहाँ से कोरिया चले जाइए, सरगुजा चले जाइए, राजनांदगांव चले जाइए, 5,00,000 मेट्रिक टन चावल पिछले साल का इनके डीओ नहीं काटने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, कलेक्टरों के आपस में मतभेद और पैसे ना मिलने की वजह से 5,00,000 मेट्रिक टन धान पड़ा रहा, मिलर्स को नहीं दिया गया, उसकी कीमत 1,300 करोड़ रुपया होती है, ये सड़ गया,
ये नेशनल लॉस है और ये जवाबदारी अधिकारियों की भी है, सरकार की भी है। इस प्रकार कि यदि धान की हालत रही तो अन्नदाता जो धान उत्पादन करता है उसकी भी पीड़ा होगी और नेशनल लॉस भी होगा। बारदानों को लेकर हमेशा राज्य सरकार केंद्र पे आरोप लगती है कि राज्य ने पूर्ति नहीं करी, जिसका जिक्र अभी आपने केंद्र जिम्मेदारी बारदाना की। हमने 15 साल धान खरीद किया, बारदाने की व्यवस्था करते हैं और वेस्ट बंगाल के जूट मिल से एडवांस में पेमेंट देते हैं। ये तो आदेश ही कम दिए हैं, पेमेंट ही कम किए हैं और उससे जो जूट मिल से बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। चरम जी को बुला लो। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से इससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए खाद्य मंत्री यहां भगत जी ने कहा है कि जिन चीजों को, जिन बिंदुओं को लेकर विपक्ष ने जो मांग रखी है उसको लेकर जांच कमेटी बनाई जाएगी, उसमें 5 सदस्यों को रखा जाएगा और जो जांच में आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कई गंभीर आरोप यहां पे सरकार पर और कार्यप्रणाली पर लगाए हैं कि किस तरह से एक उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिक्र करते हुए, एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से एक लड़की को एयरपोर्ट बाय एयर लेके जाया जाता है, 3 बार उसको बेचने की कोशिश की जाती है, लेकिन किस तरह से ये पूरी जांच प्रक्रिया हो रही है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं मिला है। वहीं 1300 करोड़ रुपए का जिस तरह से धान का उठाव नहीं हो पाया था, वो सड़ गया, वो खराब हो गया, उसको उन्होंने बताया कि वो नेशनल लॉस है। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि बारदाने को लेकर सरकार लगातार बोल रही है कि बारदानों की कमी की वजह से जो धान का उठाव है वो नहीं हो पा रहा है, किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि हमने भी 15 साल इसी तरह से धान को खरीदा है, लेकिन इस तरह की अव्यवस्थाएं नहीं थी। यहाँ पे जो ऑर्डर देना चाहिए उसमें भी सरकार लेट हुई है।